हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रूम है और पूरी तरीके से रूम को खाली कर दिया गया है। इजिप्टो के लोग थे और नेपाल के लोग थे, पाकिस्तान के थे और मसर के लोग थे, यानी कि सब मिक्स थे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कुवैत में आए तो यहाँ पे कुवैत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया है। आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस जो हमारे यहाँ पर कंपनी के कानून वगैरह होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, आपको कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, प्लस कंपनी को फाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के थोड़ा आगे। तो गाइस, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लाइक करना। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पूरा रूम खाली है और इस रूम के अंदर पूरा सामान था। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधे सीधे कि इस रूम में हमारे भाई लोग सोते थे, सही सही जो बात है, और अचानक इनको रूम खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर वाले आते हैं चिकन के लिए, तो यहाँ पर रूम को पूरा खाली करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे अजनबी लोग होते हैं, उनका जो किचन है काफ़ी ज़रा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा साफ सफाई नहीं करता है। देख सकते हो, पूरा सामान को निकाल दिया गया है। तो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पे खाना पीना भी मुश्किल हो चुका है। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई झूठ नहीं है, पूरी सच्चाई है, रियलिटी है। यहाँ पे यानी कि किचन ही नहीं है यार, जब किचन ही नहीं तो हम लोग खाना कहाँ पे खाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किचन नहीं है तो हमको खाना बाहर से खाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, इतना पैसा हम लोग के लिए है। जैसा कि गाइस आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है सभी लोग के लिए। इंडिया के 3-4 लोग थे, मसर के थे और बंगाली लोग थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, पूरा रूम खाली हो चुका है और यहाँ पे अगर हम लोग गलती कर देते ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती कंपनी के लिए, प्लस हमारे लिए, यानी कि कंपनी ने हमको रिमूव कर दिया होता अब तक, अगर हमने रूम ना खाली किया होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी का ऑर्डर था कि आपको रूम खाली करना पड़ेगा, और खाली करना क्यों पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि कंपनी चाह रही थी ना कि यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ भी आए, तो कुछ कंडीशन वगैरह होती है, जैसे कि जो यहाँ पे फायर वाले होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बोलते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, तो जब वो लोग चेक करने के लिए आते हैं ना, रूम को पूरा खाली करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे कानून होता है कुवैत में कि आप लोग को वहाँ पे रूम खाली करना पड़ेगा 100%। ऐसा नहीं कि बस आपको कोई भी सामान रख दिया उसके बाद बोल दिया कि हाँ रूम खाली हो गया, यानी कि सब कुछ खाली करना पड़ेगा, यानी कि कपड़ा का जो स्टैंड वगैरह होता है सब कुछ निकालना पड़ गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो गई थी, और सामान को ले जाकर काफ़ी दूर रखना पड़ा, यानी कि रूम के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर। तो बहरहाल ऐसी कोई भी जगह नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा इंडिया तो है नहीं, कहीं पे रख देते हैं बाग बगीचे में, हमारा घर थोड़ा दूरी पे है, रख देते हैं सामान बाग बगीचे में, यहाँ पे तो भाई ऐसा ही नहीं है। और हम लोग ने यहाँ पे एक गाड़ी बुक किया था लगभग 15 दिनार का, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा वहाँ पे सामान रखा, लगभग 8 से 10 लोग थे। लेकिन अगर हम लोग गलती करते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी हमको प्रॉब्लम करती ही करती, लेकिन कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो फायर वाले होते हैं पूरा चेक करते हैं अच्छे से हैं। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कुवैत में आए तो कंपनी को फॉलो कीजिए, कंपनी को जो कानून वगैरह होता है उनके कानून को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग आ जाते हो कंपनी के कानून को फॉलो नहीं करते, क्योंकि कंपनी बस आपको एक बार बोलेगी। हमको कंपनी एक बार बोली थी, हमारे जितने लोग थे, जैसे कि इंडिया के थे, मसर के थे, बंगाली थे और भी थे लोग थे, उनको एक बार बोली कि आपको रूम कल खाली करना पड़ सकता है 100%, आपको हमारी बात को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने हमारी बात को फॉलो नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि यस्टरडे यहाँ पे आई थी चिकन, तो हमारा रूम पूरा बिखरा बिखरा हो गया था, पूरा सामान निकालना पड़ा, पूरा यानी कि हालत ख़राब हो गई थी। फाइनली अभी देखते हैं कितना दिन लगेगा रूम में रिटर्न होने, जैसे कि रूम में जाने के लिए, रिटर्न जाने के लिए रूम में, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम में है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारा खाना पीना भी नहीं है, खाना पीने के लिए हमको यार कहीं पर होटल पर जाना पड़ रहा, हमारा लॉस हो रहा है, अब क्या बताऊँ। बहरहाल इतना ही वीडियो में था, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए मिलते हैं।